संभाल के मैं। तुम्हारे तो 100 साल में आज ही पूरे कर दूंगा पालवीर। रुक जाओ। मुझे माफ कर दीजिए बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। 2000 साल चरक में कैद रहने के बावजूद भी तुम नहीं सुधरे फितूरी। इन लोगों को धोखे से जिनिस्तान ले आए। बादशाह पूछे इस फितूरी से आखिर मानो महर से इसकी क्या दुश्मनी है, वो मानो महर को जिनिस्तान में क्यों लेकर आया। जवाब दो फितूरी, क्यों तुम इन बच्चों को जिनिस्तान ले आए बताओ, नहीं तो हम तुम्हें जिनिस्तान की आग के कुएं में झोंक देंगे। नहीं 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 बादशाह सलामत, नहीं मैं बता दो दरअसल बात है कि वो माँ विनाशनी। क्या वो माँ विनाशनी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मानव महर को यहाँ जिनिस्तान ले आऊंगा तो बालवीर भी उनके पीछे पीछे यहाँ जिनिस्तान आ जाएगा और वो यही का होकर रह जाएगा। ऐसा अगर करूंगा तो माँ विनाशनी मुझे मेरी आजादी वापस लौटा देगी। मुझे छोड़ दीजिए बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ विनाशनी, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बादशाह मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। सैनिकों ले जाओ इसे हमारी नजरों से दूर और अंधेरी काल कोठरी में डाल दो। नहीं बादशाह, बादशाह मुझे माफ कर दीजिए बादशाह, अरे छोड़ो बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए बादशाह, मुझे माफ कर, अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ो। बालवीर जुमरू ने हमें बताया कि तुम पृथ्वीलोक के बच्चों के रक्षक हो, परियों ने तुम्हें जादुई शक्तियां भी दी, फिर तुम इस फितूरी की झाल में कैसे फंस गए। दरअसल फितूरी मेरे दोस्त मानव महर को चिराग में बंद करके यहाँ लेकर आ रहा था और इसलिए उस चिराग का पीछा करने के अलावा मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। हम समझ सकते हैं बालवीर, फितूरी की इस गलती के लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है बादशाह, बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और मानव महर को सही सलामत पृथ्वी लोक पहुँचा दीजिए। हाँ प्लीज। काश कि हम ऐसा कर सकते बालवीर, तो जरूर करते, क्योंकि तुमने हमारे शहजादे जुमरू की जान बचाई है। अब जुमरू आपका बेटा है? हाँ बालवीर, और इसके बदले में हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें पृथ्वी लोक वापस भेजना हमारे बस में भी नहीं है, क्योंकि इंसान जिनिस्तान से वापस लौटकर नहीं जा सकते। हाँ हम तुम्हें एक अलग महल जरूर दे सकते हैं जहां तुम और तुम्हारे ये नन्हे दोस्त खुशहाली से रह सकते हो। मुझे माफ करेगा बादशाह, लेकिन पृथ्वी लोक के बच्चों की रक्षा करना ही मेरा पहला कर्तव्य है और इसलिए मुझे पृथ्वी लोक पर किसी भी हाल में जाना होगा। बादशाह हम यहाँ पे तो नहीं रोक सकते, लेकिन पृथ्वी लोक पे जाने का कोई ना कोई तो उपाय होगा। हाँ। नहीं बालवीर। पिताजी आप तो बादशाह हैं, आप चाहे तो मेरे दोस्तों की मदद कर सकते हैं, कुछ कीजिए ना पिताजी, कोई तो रास्ता होगा इनको वापस भेजने का। एक रास्ता है लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है बालवीर, इस रास्ते पर तुम्हें 2 पड़ाव पार करने होंगे। आज तक कोई भी उन पड़ावों को पार नहीं कर पाया, और अगर तुम उन पड़ाव को पार करने में नाकामयाब रहे तो हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद होकर रह जाओगे और फिर हम भी तुम्हें आजाद नहीं करवा पाएंगे। बादशाह असफलता के डर से मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता, मुझे इतना जरूर पता है कि मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना, लेकिन सच्चाई और अच्छाई का साथ देने वालों की कभी हार नहीं होती। बादशाह आप मुझे मार्ग बताइए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है।
ये कालीन तुम्हें तुम्हारे पहले पड़ाव तक ले जाएगा और उस पहले पड़ाव को पार करने के बाद तुम्हें दूसरे पड़ाव पर जाना होगा जहां तुम्हें एक बुलंद चिराग हासिल करना है। और अगर तुमने वो बुलंद चिराग हासिल कर लिया तो वो चिराग तुम्हें धरती लोक ले जाएगा। शुक्रिया बादशाह, चलो मानो मैं। रुक जाओ बालवीर। बोलो झुमरू। बालवीर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। शुक्रिया झुमरू। ये लो, निस्तान की शहजादे की ओर से ये भेंट। ये तुम्हें मेरी दोस्ती की याद दिलाएगा। शुक्रिया झुमरू। ये क्या हालत बना रखी है? ये क्या हेयर स्टाइल है? परमंटर, तुमने ये मूछें क्यों लगाई है? निकालो, निकालो इसे। सर, ये मूछें नहीं निकल रही है, ये चिपकी हुई है सर। एक्चुअली बात ये है सर, हम लोग म्यूजियम रूम में गए थे और म्यूजियम रूम में दो परियां हैं। उन्होंने पहले हमें तरन दिया, फिर हमें हवा में से उल्टा सुल्टा घुमाया और फिर ये मूछ लगा दी सर। सर और तो और बकवास बंद करो मंटो, वरना मैं तुम दोनों को प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगा। लेकिन सर मेरी बात, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मूछे निकालो या मैं निकालू। सर ये मूछ नहीं निकल रही है। रोहित पकड़ो इसे, पकड़ो। मंटू, ये कौन सी चिपकुगम से तुमने अपनी मुँह चिपकाई है? निकल ही नहीं रही है। सर ये कोई भी चिपकुगम से नहीं चिपकाई है। सर ये उन परियों ने जादू से चिपकाई है। देखिए सर, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना, अब हम दोनों के साथ उस म्यूजियम रूम में चलिए, मैं आपको वो दो परियां दिखा दूंगा, फिर आपको यकीन हो जाएगा सर। ठीक है मंटू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन मंटू खबरदार, अगर ये तुम्हारी बात झूठी निकली तो ये मूछ के साथ साथ मैं तुम्हें पूंछ भी लगा दूंगा। चलो बालवीर, मुझे लगता है ये दरवाजा ही हमारा पहला पड़ाव है जिसके बारे में हमें बादशाह ने बताया था। इसे पार करते ही हमें वो बुलंद चिराग मिलेगा जिसकी मदद से हम पृथ्वी लोक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये दरवाजा तो बंद है, इसे खोलेंगे कैसे? मैं ट्राई करता हूँ। खुल गया। अभी भी दो मंत्र बाकी है। खुल जा रिमझिम। चलो अंदर चलते हैं। खुल गया ना? एक मिनट, अभी भी एक मंत्र बाकी है। खुल जा जिनजिन। खुल। मेर, मैंने तो सारे मंत्र ट्राई कर लिए, अब तेरे पास कोई मंत्र मंत्र है तो तू भी इस पे ट्राई कर।
कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? हम पृथ्वीवासी गलती से यहाँ आ गए, अब हमें अपने पृथ्वीलोक वापस जाना है। सिंगूरी के होते हुए इस दरवाजे के उस पार कोई नहीं जा सकता। ये झिंगूर कौन है? आई मीन झिंगूरी कौन है? बुलाओ उसको। मूर्ख बालक, मैं ही झिंगूरी हूँ, यहाँ का पहरेदार। झिंगूरी, बादशाह ने हमें कहा है अगर इस दरवाजे के उस पार दो पड़ाव को हम पार कर लेंगे तो हम अपने पृथ्वीलोक वापस जा पाएंगे। बादशाह का आदेश होते हुए तुम हमें नहीं रोक सकते, इसलिए तुम्हें ये दरवाजा खोलना ही होगा। ठीक है, अगर ये बादशाह का हुक्म है तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, मगर याद रखना एक बार तुम लोग अंदर चले गए उसके बाद पड़ाव पार किए बिना वापस नहीं लौट सकते, और ये काम इतना आसान नहीं है। अगर तुम लोग नाकामयाब हो गए तो हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाओगे। क्या? इससे तो अच्छा है कि तुम लोग जिनिस्तान वापस लौट जाओ। नहीं, नहीं। हम जाएंगे तो पृथ्वीलोक ही जाएंगे, और इसीलिए तुम ये दरवाजा खोल दो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जाओ, दरवाजे के पास जाओ, ये तुम्हें खुद अंदर खींच लेगा। चल मानव, अब हमारी बारी है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? तुझे पृथ्वीलोक नहीं जाना? जाना है। तो फिर चल। हम आपको दिखाते हैं, आप पर ये। हाँ सर, आइए। भटकाती परी, मोंटू तो यहाँ किसी को लेकर आ रहा है। लगता है उसने सबको बता दिया कि यहाँ परिया है। आने दीजिए इसे यहाँ। यहाँ इसे परिया नहीं, मानव और मेहर मिलेंगे, और इससे वो झूठा भी साबित हो जाएगा। आइए सर, आइए। यहाँ परिया है। हाँ, आइए आइए, देखिए यहाँ पर ये है। अरे सर, आप यहाँ? कहाँ कहाँ है परिया? कहाँ है परिया? ये है परिया? नहीं मानो मैं, ये तो सर है। मतलब नहीं सर, ये तो मानो मेरे, पर परिया तो यही थी, कहाँ गई? अब मानो मेरे से पूछिए, इन्होंने भी परियों को देखा होगा, है ना मानो मैं? हाँ सर, हम तो परिया रोज देखते हैं। सुना सर, सुना, इन्होंने भी परियों को देखा है। लेकिन सपना में देखते हैं। हाँ। हाँ? देखा देखा, सुना सुना, मैंने भी देखा था। वैसे सर, यहाँ परियां आएंगी कैसे? हाँ, मोंटू और रोहित यहाँ जरूर आए थे इन सारे एंटिक्स को छेड़ने के लिए। इतना ही नहीं सर, मोंटू ने तो एंटिक मूंछ भी चिपका रखी है, देखिए। सर, ये मूंछ मैंने नहीं चिपकाई है, ये मूंछ उन परियों ने चिपकाई है। प्रॉमिस सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मोंटू, मुझे अच्छी तरह से बता, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? बिहेवियर सर। नहीं सर, हमारा यकीन कीजिए, यहाँ परियों के पुतले भी है, वो देखिए। हाँ, मोंटू बॉस, ये परियों के पुतले कहाँ गए? अच्छा, पुतले गायब हो गए? बेटा यहाँ पे पुतले तो नहीं है, पर तुम दोनों के पुतले मैं जरूर बनाऊंगा।
वो भी संगे मरमर की। जिंगोरी, ये लोग कौन है? इंसान है ये लोग, रास्ता भटककर जिनिस्तान में आ गए थे और धरती पर जाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए और हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गए। तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। हमारी चिंता मत करो जिंगोरी, बस हमें ये बताओ कि इस पड़ाव को पार करने के लिए मुझे क्या करना है। ये मछली देख रहे हो तुम जो घूम रही है, उसकी आंख में इस तीर से निशाना लगाना है। अगर पहली बार तुम चूक गए तो ये बच्चा वहां कैद हो जाएगा। मानो, अगर दूसरी बार भी तुम निशाना लगाने में चूक गए तो ये बच्ची भी यहां कैद हो जाएगी। और अगर तीसरी बार भी तुम निशाना चूके तो तुम भी यहां हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। और अगर मेरा निशाना सही लगा तो तुम अगले पड़ाव में पहुंच जाओगे। इन दोनों बच्चों और इन तीन इंसानों के साथ वहां तुम्हें बुलंद चिराग मिलेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। नहीं मुसाफिर, ये झूठा है, ये धोखेबाज है मुसाफिर, इसके बातों में नहीं आना। बालवीर, मुझे लगता है वो तीन लोग कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जिंगूरी, क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अब भी वक्त है, तुम जिनिस्तान वापस लौट जाओ। हम लौटेंगे तो जरूर, लेकिन जिनिस्तान नहीं, अपने पृथ्वी लोग। ठीक है, तो कोशिश कर लो तुम, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये रेत घड़ी देख रहे हो तुम? इससे पहले कि ऊपर की रेत नीचे आ जाए तुम्हें तीन बार निशाने लगाने होंगे। तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, बहादुरगढ़ हरियाणा के आकाश वर्मा, चंडीगढ़ के कुणाल चोपड़ा, न्यू दिल्ली की स्नेहा सिंह राजपूत, आनंद गुजरात की आर्या भट्ट, मालेगांव महाराष्ट्र की मोनिशा, उदयपुर राजस्थान के मनश्वी जैन, अलवर राजस्थान की दिव्या यादव और पणजी गोवा के अथर्व नागरसेकर ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा बुजुर्ग लोगों को सड़क पार करने में मदद करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का खास पत्र। दोस्तों, यह है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है पटियाला पंजाब की जश्नदीप कौर सिद्धू ने। दोस्तों, जश्नदीप ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखती है और कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालती है, और इस तरह वो स्वच्छ भारत अभियान में भी योगदान देती है। बहुत अच्छे,
इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए जश्नदीप। तो दोस्तों, अगर इन्हीं की तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर की है किसी की मदद, तो हमें लिखकर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए sabtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।